वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने सेंसेक्स और निफ्टी की। दोस्तों दोनों जो है रेड सिग्नल में दोस्तों दिख रहे हैं, दोनों दोस्तों ग्रे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट की कंडीशन भी ठीक नहीं है। और आप मैं बता दूं गोल्ड की प्राइसेस दोस्तों गिरी हुई हैं, लेकिन दोस्तों डॉलर दोस्तों वो फिर से बढ़ाए 79.89 के आसपास जो है आ चुका है। डॉलर दोस्तों जो है 80 के पार भी चला गया था कुछ दिन पहले। डॉलर दोस्तों बहुत तेजी से अपनी रिकवरी भी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो है फेडरल रिजर्व ने दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए इसकी वजह से। तो देखते हैं दोस्तों अपना मार्केट जो है इंडिया का मार्केट कब तक जो है रिकवर कर पाता है। दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आती है दोस्तों वो अडानी की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों मंडे को उन्होंने जो है शेख हसीना जो कि दोस्तों बांग्लादेश की पीएम है वो दिल्ली आई हुई, दोस्तों उन्होंने उनसे मीटिंग करी थी। और अडानी दोस्तों जो है अनाउंसमेंट करी है कि दोस्तों 1600 मेगावाट के जो दोस्तों गोडर प्रोजेक्ट है दोस्तों उनका जो झारखंड में, उससे दोस्तों जो है 1600 मेगावाट के प्लांट से एनर्जी दोस्तों जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले दोस्तों बांग्लादेश में। एक डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी दोस्तों बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों काफ़ी जो अच्छी रिलेशन दोस्तों हमारे जो है बांग्लादेश के संग है। तो अब दोस्तों जो है अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है कि दोस्तों जो है बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है कि दोस्तों वैभव ज्वेलर्स ने जो है अपनी DRHP फाइल कर दी दोस्तों सेबी के पास दोस्तों अपने IPO के लिए। और दोस्तों जो है वो 210 करोड़ रुपए दोस्तों रेज करने वाले फैंसी सूच है। 43 लाख इक्विटी शेयर्स दोस्तों जो है अपने ऑफर फोर्सोल में जो है वो बेच रहे हैं, और 40 करोड़ दोस्तों जो इक्विटी शेयर्स को और बेच के जो है फर्दर वो रेज कर सकते हैं। दोस्तों NSE और BSE दोनों दोस्तों जो शेयर्स है वो लिस्ट किए जाएंगे। अगर दोस्तों ये वैभव ज्वेलर्स के दोस्तों IPO दोस्तों आ रहा है कुछ दिनों में, अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे तो दोस्तों आप बताइए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो हमने जो है डीमैट अकाउंट की कुछ लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को जो ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक जो है पहली बैंक बन चुकी है दोस्तों ONDC को ज्वाइन करने वाली। HDFC, SBI, PNB, एक्सिस बैंक दोस्तों अभी भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स हैं ONDC में, उन्होंने अभी तक जो है इसको ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक जो है अपने ई कॉमर्स सेलर्स को अलाउ करेगा दोस्तों उनके जो रिटेल कस्टमर्स है दोस्तों ओपन नेटवर्क में जो जुड़ेंगे दोस्तों उन सभी जो है टाइप करने के लिए। दोस्तों काफी जो ईजी हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों जो काफी जो है तेजी से ग्रो कर रहा है ई कॉमर्स के सेगमेंट में। दोस्तों जितने जो ऑनलाइन बैंकिंग है न्यू बैंकिंग एप्स हैं वो दोस्तों जो है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ जो टाइप करते हैं दोस्तों, और उनके जो है कस्टमर्स बेस को बढ़ाते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो है इंडिया आइडिया समय में दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनके पास दोस्तों जो है ऐसे कई सारे आइडियाज हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनकी वजह से जो है वो इंडिया के जो रोड से दोस्तों उनमें जो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में जो है 1.40 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है हम दोस्तों टोल से कमाने वाले हैं, दोस्तों उन्होंने जो है कहा है। और इनके पास कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे दोस्तों जो है वो रोड के जो मॉडर्नाइजेशन प्लान्स बनाएंगे दोस्तों, और उन्होंने कुछ इन्वेस्टिंग प्लान को जो है हाईलाइट भी किया, जैसे दोस्तों बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर जैसे बॉर्ड प्लान बनाया, हाइब्रिड एनुटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दोस्तों इन सभी के मॉडल्स की वजह से दोस्तों जो है वो अपने पैसे दोस्तों जो इंडियन रोड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और दोस्तों जो है और अच्छा जो रेवेन्यू है दोस्तों आने वाले कुछ सालों में जो है इंडियन रोड्स की तरफ से हमको मिल सकता है। अगली खबर दोस्तों निकल के आती है HDFC बैंक की तरफ से, जो दोस्तों एक प्राइवेट बैंक है दोस्तों। और जो HDFC बैंक है दोस्तों मैं आपको बता दूं HDFC दोस्तों जो है पर्सनल लोन देती है, लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को देती है जो दोस्तों उस क्रेडिट की वर्थीनेस हो यानी उस लोन को वापस कर सकें। लेकिन दोस्तों अब जो है कंपनी ने कहा है कि हम सिर्फ 10 सेकंड दोस्तों जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास दोस्तों बैंक में अकाउंट भी रहेंगे तो दोस्तों आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपकी दोस्तों क्रेडिट है दोस्तों नहीं है, अगर आप लोन को दोस्तों वापस करने के सक्षम भी नहीं हो तो दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट करके जो है आपको लोन दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी के पास जो NPA दोस्तों जो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों वो बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, और इसके दोस्तों जो प्रॉफिट भी असर पड़ सकता है। दोस्तों ये नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा दोस्तों कंपनी के लिए, क्या फायदा रहेगा क्या नुकसान रहेगा दोस्तों हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से। दोस्तों ऐसी खबर आई है दोस्तों वोडाफोन आइडिया दोस्तों जो पैसे रेज कर रहा है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। दोस्तों जो उनके जो शेयर है आज 9% से बढ़े 9.92 रुपीज़ में पहुंच चुके हैं 31 मई 2022 के बाद। दोस्तों जो उनके शेयर आज पहली बार दोस्तों बढ़े हैं। क्या दोस्तों आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर को परचेस कर रखा है दोस्तों, और क्या आप दोस्तों वोडाफोन आइडिया की सिम यूज करते हो, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर दोस्तों आप यूज करते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की जो बिजनेस और फंडिंग न्यूज है दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों हमारी वीडियो से पसंद आती होंगी। दोस्तों मैं डेली आपके लिए जो है बिजनेस और फंडिंग न्यूज लेके आता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमें मोटिवेट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।